हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ फिरनी, जो मैं चावल को भिगा के रख देती करीबन 2 घंटे। अगर आप अच्छा सोक करोगे ना ज़्यादा टाइम तक के, तो वो मुँह में कच्चा नहीं लगेगा और पकाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैंने चावल को बारीक मिक्सी में ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो मैं क्वांटिटी बता देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया हुआ है और उसमें मैं डालूँगी कम से कम 50 ग्राम चावल का पेस्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो बहुत ही ऐसा ठीक हो जाए। मैंने 1/2 kg दूध लिया हुआ है ऑलरेडी मेरे पास था, उसमें मैं थोड़ा सा इलायची 2 डाली हुई हूँ टेस्ट के लिए, और उसमें 1/2 बाउल मैंने शक्कर लिया है, और ये मैंने चावल का पेस्ट डाला है। अब इसको हमें चलाते रहना है कंटिन्यूसली, बिकॉज़ अगर आप इसे नहीं चलाएंगे चम्मच से तो वो चावल जो है वो नीचे चिपकता जाएगा। तो मेक श्योर आप कंटिन्यू चलाएं और थोड़ा मीडियम फ्लेम ही रखें बॉईल आने तक। बॉईल आ जाए फिर हम उसको स्लो करेंगे। ये तकरीबन मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं चम्मच से चलाते हुए। अगर आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे ना तो दूध बॉईल नहीं होगा। अभी इसको हम देखेंगे कि इसकी थिकनेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। थिकनेस बढ़ रही है मतलब दैट्स मीन वो जो पीसे हुए चावल है वो आपके पक रहे हैं। ये देखिए कुछ ऐसा हो जाता है 10 मिनट बाद। ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं उसको अब गैस को बंद करती हूँ और जल्दी से इसे मैं फ्रिज में रखूँगी ठंडा करने के लिए। इसको चलो बाउल में डिश आउट करते हैं हम। ये रही हमारी सिंपल सी फिरनी। अगर आप उस पर ड्राई फ्रूट डालते हैं, जो डालना है आपको, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं आपके लिए। मुझे ड्राई फ्रूट से कुछ नहीं थे तो मैंने नहीं डाला है। आप ज़रूर डालिए उसके ऊपर बारीक स्लाइस करके। अभी हम यहाँ शुरू करते हैं हमारी फिरनी के लिए छोटी छोटी पपड़ी बनाने के लिए। तो ये मैंने 1 बोल मैदा लिया हुआ है और 1 बोल आटा सेम क्वांटिटी में, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अब इसे हम अपना सोडा मीड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस ऐसा है कि अपने को बाइंड करके उसको एटलीस्ट 1/2 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। ये मैंने बाइंड करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा उसको ऐसा वो नहीं करना है, हाँ बस ऐसा बाइंड करके रख भी देंगे तो भी वो रेस्ट होने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा। ये देखिए मेरा हो गया है बाइंड करके। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको बंद करके रखती हूँ। तो जी यहाँ पर मुझे 1/2 आवर हो गए आटे को रेस्ट देके। मैंने अभी इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ पूरियाँ कैसे बनाना है। पहले मैंने एक बड़ा सा बोल बनाया है, उसको मैं अच्छा ऑलमोस्ट बराबर बड़ा चकले के बराबर तक के उसको बेलूँगी। बड़ी सी मैंने गोल रोटी बेल ली है और अब मैं एक ग्लास लिया है, उसके एंड पे मैं थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ आटे से और फिर उसको कट कर रही हूँ। तो आप अपने शेप के हिसाब से जैसी रोटियाँ बनाओ और उसमें से जितना सा भी गोल पपड़ी निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए और फिर उसको एक एक करके तेल में तलते जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी नहीं बना पा रहे तो कोई एक ना बेले, कोई एक बेल कर दूसरा कोई छाने तो फटाफट बनता है। यहाँ पे मैं दोनों काम करने वाली हूँ तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि वो चिपक ना जाए सारे पे। अभी ऐसे हमें पूरे सारे आटे की बनानी है
तो चिपके ना वो एक दूसरे में, इसलिए मैंने एक बड़ा सा थाला लिया है और उस पर मैंने आटा ऐसा डस्ट किया है और फिर उसके ऊपर मैं ये रखूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप दूसरी प्लेट ले लीजिए, उसमें भी रख सकते हैं। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, वो चिपकेगी नहीं तो मैं उसी पर रखते जाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आपने मैंने कितनी सारी पूरियाँ बनाई हूँ, ये एक दूसरे में चिपके ना। मैंने एक दूसरे पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये मैंने बहुत स्पीड में बनाया है। अगर आपको टाइम लगता है तो प्लीज़ अलग अलग प्लेट में रखिए। अब यहाँ पे मैंने साथ में ही तेल गरम करने के लिए रखा था और ये मैं पूरियाँ रख रही हूँ, ये मैं खुद तल रही हूँ। पूरी जो भुलाने का ना वो ट्रिक है, हमको थोड़ा सा जो बैक एंड होता है चम्मच का उसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है पूरी पे, हल्का हल्का, बहुत तेज़ नहीं, बहुत हल्का, तो वो पूरियाँ फूलती है। और अगर एक साथ एक ही हो रहा है तो एक ही करिए, जब आप उसमें प्रो हो जाए या बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप करने लगे तो आप एक साथ तीन चार कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी पूरियाँ तली हुई है, अभी मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ फिरनी और
अपनी ये पूरी। तो गाइस इसमें मैदा डालने से और खाने का जो सोडा डालने से वो देख सकते हैं आप कितनी यम्मी और फुली फुली और सच में गरम गरम पूरियाँ ठंडी ठंडी फिरनी मज़ा ही कुछ और आता है। तो गाइस आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।